अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 जो है वो डिस्कस करने के लगे हैं, केमिस्ट्री क्लास 9। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज, मतलब एटम्स का एक ग्रुप हो और उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसको क्या कहेंगे? डेफिनेटली रेडिकल्स कहेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखी हैं, आपको नजर आ रही होगी। CO3 ये कार्बोनेट है, इस पर जो है वो 2 नेगेटिव जो है वो चार्ज है, इसको हम कहेंगे रेडिकल है। आगे हमारे पास है SO4, इस पर जो है वो इस पर भी 2 नेगेटिव चार्ज है, हम इसको कहेंगे सल्फेट, मतलब ये है रेडिकल हमारे पास। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास रेडिकल्स की, तो उन पे जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, ग्रुप ऑफ एटम्स हो, तो उसको हम जो है वो रेडिकल्स कहेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं वेरिएबल वैलेंसी की तरफ। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? मोर देन वन वैलेंसी, ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी मोर देन वन हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी Fe2SO4 thrice, ये क्या कहलाएगा हमारे पास? फेरिक सल्फेट। अब ये फेरिक सल्फेट क्यों कहलाएगा? बेसिकली मैं आपको एक कंसेप्ट बताता चलूँ, जिसकी वैलेंसी अगर मोर देन वन वैलेंसी है ना, अगर कोई एक एटम है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर कोई एक एटम है उसकी वैलेंसी जो है वो हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट, उसकी एक एटम है उसकी हाईएस्ट वैलेंसी है, उसको उसके एंड पे हम क्या लिखेंगे? IC। जैसे कि आयरन है, इसकी 2 वैलेंसी है, +2 है और +3 भी जो है वो वैलेंसी शो करता है। आयरन जो है वो 2 वैलेंसी शो करता है, +2 और +3। अब हम इसकी हाईएस्ट क्या होगी? +3 होगी, जाहिर सी बात है। तो +3 को हम कहेंगे फेरिक और +2 को हम कहेंगे फेरिस, मतलब इसके एंड पे IC आएगा, इसके एंड पे IOUS आएगा, मतलब कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा एटम जिसकी जो है मोर देन 2 वैलेंसी हो, जैसे कि आयरन की थी +2 और +3, ये कभी +2 भी शो करता है और +3 भी शो करता है। अब हम कैसे पता लगेगा कि ये +3 यहाँ पे शो कर रहा है और +2 यहाँ पे शो कर रहा है? अब हमें पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड है, ये एक न्यूट्रल है, इस पर ऊपर कोई चार्ज नहीं है, रेडिकल मतलब जो रेडिकल के ऊपर यहाँ पे -2 जैसे यहाँ पे चार्ज होता है, तो इस पर चार्ज नहीं है। अब हम ये एक न्यूट्रल कंपाउंड, अब न्यूट्रल कंपाउंड कैसे होगा? हमने इसके ऊपर इसकी जो है वो वैलेंसी लिखनी है SO4 की, मतलब सल्फेट की वैलेंसी लिखेंगे और आयरन की वैलेंसी लिखेंगे। सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी? यहाँ पे हमने लिखा कि SO2 के ऊपर SO4 के ऊपर हमेशा हमारा 2 नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 नेगेटिव, लेट्स सपोज। अब ये सल्फेट हमारे पास कितने हैं? 3 है, यह आप देख सकते हैं, आप थ्राइस मैंने लिखा हुआ है, ये 3 सल्फेट है। अब ये 3 सल्फेट की वैलेंसी कितनी होगी? एक ही तो -2 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 हो जाएगा। सल्फेट की वैलेंसी यहाँ पे मैं लिखता हूँ -6 है। अब जो आयरन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये -6 है तो आयरन भी +6 होगा, तो ये वाला न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +6, मतलब आयरन की वैलेंसी +6 है। अब आयरन यहाँ पे है 2, तो जारी सी बात एक की तो +6 नहीं होगी, दो है ना, तो इसको डिवाइड कर देना, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे इसको जो है वो डिवाइड कर दिया, तो ये आगे हमारे पास +6 +3 आ जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे रेज करता हूँ, आप इजी वे में समझाता हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, हमें पता है, ये हमें याद रखना होगी, सल्फेट की वैलेंसी, ये जो रेडिकल्स होते हैं इनकी वैलेंसी याद रखनी होती है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आता है या 3 नेगेटिव आता है या +2, एक की हमें पता होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली पता हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मुझे सल्फेट की पता है कि -2 है, अब सल्फेट यहाँ पे कितनी है? 3 है, तो ये -2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 सल्फेट है ना, एक की तो हमने नहीं ना वैलेंसी लिखनी, 3 की लिखनी ऊपर, तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे +6 होगा तो ये एक बैलेंस होगा ना, ये न्यूट्रल होगा कंपाउंड, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर पहले कोई चार्ज ही नहीं था, तो हम यहाँ पे बैलेंसी लिख रहे हैं कि इसकी बैलेंसी कितनी होगी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली +6 होगी, तो +6 जो है वो 2 आयरन की होगी, एक आयरन की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे 3 सल्फेट थे,
हमने लिखा तीन सल्फेट की बैलेंस शीट, नेगेटिव सिक्स थी यहाँ पे सल्फेट की और यहाँ पे प्लस सिक्स जो है वो आयरन की आ गई। अब ये दो आयरन है तो इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, जाहिर सी बात है, तो ये क्या बचेगा, तीन बचेगा, मतलब एक की बैलेंसी तीन होगी, तो तीन जब बैलेंसी आ जाए तो हम क्या लगाते हैं एंड पे, हाईएस्ट बैलेंसी जो जो आयरन की है वो तीन होती है और लो इसकी जो होती है वो प्लस टू होती है, तो यहाँ पे एंड पे आईसी लगाएंगे कंपाउंड के नाम, मतलब इसको हम लिखेंगे फेरिक सल्फेट, ये हो गया हमारे पास। अब हम लिखेंगे कि फेरिक सल्फेट कहाँ पे आता है, हमने ये फेरिक सल्फेट तो बना लिया, मतलब फेरिस वाला कंपाउंड किसमें आएगा, तो हम वो है वो जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ, एक कंपाउंड का नाम है Fe(SO4)। हम इसकी जो है वो वैलेंसी देखेंगे कि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी टू है, कैसे टू है आइडेंटिफाई करें, यहाँ पे हमारे पास कितने सल्फेट हैं, एक सल्फेट है, एक सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी, टू नेगेटिव। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हम इसको जो है न्यूट्रल करने के लिए क्या लिखेंगे, टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली पता लग गया क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड था Fe(SO4) एक न्यूट्रल कंपाउंड था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक की वैलेंसी जो है SO4 की हमें पता थी नेगेटिव टू, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव टू होगी तो ये न्यूट्रल कहलाएगा ना, तो यहाँ पे इसकी आयरन की वैलेंसी होगी टू पॉजिटिव, तो इसको हम क्या कहेंगे, फेरस सल्फेट, FeRO2S, फेरस सल्फेट। तो ये था हमारा वेरिएबल वैलेंसी जिसमें हमने ये सीखा कि मोर देन वैलेंस वैलेंसी जिस एलिमेंट की मोर देन टू मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी होगी, जैसे कि आयरन की वैलेंसी है, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनकी जो है वो मोर देन वन वैलेंसी आती है, यहाँ पे मैं कंपाउंड्स के नाम लिखता हूँ, आयरन Fe हो गया, कॉपर Cu हो गया, टिन और लेड Pb हो गया, ये वाले कंपाउंड हैं जिनकी वैलेंसी मोर देन वन होती है। तो यहाँ पे जो कॉपर है इसकी हाईएस्ट वैलेंसी होगी टू पॉजिटिव और इसकी लो वैलेंसी एक तो टू पॉजिटिव है और इसकी एक वैलेंसी है वन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वन, तो यहाँ पे कभी जो जो टू पॉजिटिव वाला होगा वो हमारे पास कहलाएगा क्यूब्रिक और वन वैलेंसी वाला आएगा वो हमारे पास कहलाएगा क्यूप्रस पॉजिटिव वन, जिसकी वैलेंसी ऊपर टू पॉजिटिव होगी मतलब ये हाईएस्ट है, पहले वाली वैलेंसी से उसकी हाईएस्ट होगी वो उसके एंड पे आईसी लगेगा और उसके जो जिसकी लो होगी इससे उसके एंड पे ओयूएस लगेगा, आईसी और ओयूएस, फेरिक और फेरस, जैसे क्यूब्रिक और क्यूप्रस। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसके बाद हम जो है वो डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स के बारे में।